नमस्कार दोस्तों, पीके डिजिटल चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये खास करके ग्रामीण लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जो लोग मोबाइल यूज करते हैं, जिनके पास कंप्यूटर है, वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। और इस वीडियो के टॉपिक का नाम है दोस्तों, डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म। भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म। इसमें काम करना पड़ता है जो कि डेटा एंट्री का जॉब है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लगता है। बिल्कुल फ्री में आप रजिस्टर करके इसमें डेटा एंट्री का जॉब कर पाएंगे, और ये इसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पे। मैं आपको उस डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे उसमें काम करना है। तो देखिए दोस्तों, ये है डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म का, मैंने अभी यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो सकते हैं। वैसे इस लिंक कुछ खास नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, डिजिटाइज इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन। इतना लिंक गूगल क्रोम में आप लिखेंगे तो ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, उससे पहले कुछ और देख लेते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, मेरा पहले से इसमें अकाउंट बना हुआ है, मुझे रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डोंट हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर टू साइन अप। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे साइन अप वाले बटन में, तो ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन के पेज पे आपको लेके जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा रजिस्ट्रेशन का पेज। ठीक है, देखिए यहाँ से अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फुल नेम यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा आपको, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेल फीमेल, उसके बाद इसके नीचे में डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आधार नंबर है आपको, यहाँ आधार नंबर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करने के लिए आधार नंबर ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दो आईडी तीन आईडी से पहले अकाउंट बना लेते थे और काम करते थे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो उस पर सही करने के लिए कुछ दिनों के बाद ये सिस्टम को फिर से चालू किया गया है, और इसमें आधार नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो आधार नंबर देंगे तो एक ही आधार नंबर होता है हर किसी के पास, तो उससे आप फ्रॉड आईडी नहीं बना सकेंगे। इसीलिए आपको आधार नंबर देके यहाँ पे वैलिडेट आधार करना पड़ेगा। आधार नंबर देने के बाद वैलिडेट आधार करेंगे तो मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, आपका आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर डाला होगा उसमें ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई यूजर नेम आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा, आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपके नीचे में है मोबाइल नंबर, और उसके यहाँ पर एक चेक मार्क लगाने का ऑप्शन है, उसमें आपको चेक मार्क लगा देना है, और उसके बाद नीचे रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मेरा रजिस्टर किया हुआ है, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कैसे काम करना है। तो मैंने साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। ठीक है, देखिए मैं माय अकाउंट में क्लिक करते हैं तो अकाउंट सेटिंग, लैंग्वेज में भी प्रोफाइल, बैंक प्रोफाइल, ट्रांजेक्शन पिन, सपोर्ट, इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, नीचे लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे अभी लॉगआउट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड, वर्क स्पेस, रिवार्ड और माय अकाउंट है। ठीक है, चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले डैशबोर्ड, यही आपका ओपन, इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, स्निपेट कितना आप कंप्लीट किए हैं, स्पीड क्या है, कैरेक्टर कितना। ठीक है, तो ये सभी कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हो रहा है। मैंने क्या पिछले साल 2017 में अकाउंट बनाया था, उस समय जब ये चल रहा था डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म डेटा एंट्री का, मैंने कुछ काम किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिवार्ड में मैंने पहले कुछ रिडीम किया हुआ है पॉइंट को, क्योंकि मेरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया था। ठीक है, देखिए इस तरह से खुला है, यहाँ पर देखिए 2529 रिडीमेड मैंने रिडीम किया था। ठीक है, और उसका ट्रांजेक्शन आई डी भी है यहाँ पर, रिडीमेड पॉइंट्स, ट्रांजेक्शन टाइप रिवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सही से ओपन नहीं हो पा रहा, इसलिए पूरा नहीं दिखाई दे रहा, तो इस तरह से आपका भी दिखाई देगा। और आपका जो बैलेंस अभी मेरा फ़िलहाल 29 है, मैंने कुछ काम किया नहीं अभी। और रिडीम करने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है इसका, कम से कम आपका बैलेंस 2500 पॉइंट होने के बाद ही आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो पहले काम करना पड़ेगा आपको रिडीम करने के लिए, यहाँ पर देखिए रिडीम योर पॉइंट में क्लिक करेंगे तो आपका
रिडीम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, पहले काम करना पड़ेगा। तो काम करने के लिए यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड वर्क स्पेस रिवार्ड अकाउंट, जो वर्क स्पेस दिया हुआ है उसमें आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वर्क स्पेस में क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट करने का। फिलहाल इंग्लिश ही रहने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। तो मैं लोड वर्क स्पेस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपका जो काम है क्या टाइप करना है ये आपको यहाँ पर लिख के आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखने का है और यहाँ पर सबमिट करने का है, ऊपर में लोडिंग हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 11207, तो यही आपको टाइप करना है नीचे में, 11207 टाइप करके सबमिट कर दिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर दूसरा आ गया, ठीक है। फिर दूसरा में क्या लग रहा है आपको, ये है 1। इस तरह से कैप्चा में कैप्चा कितना आएगा जो कि आपको देख के आपको सबमिट करना है। देखिए अब दूसरा आ गया 11-9, 11-9, और सबमिट वाले बटन में दबा दिए। तो कुछ इस तरह से आपका काम करता है। अभी देखिए फीमेल लिखना है, यहाँ पे फीमेल लिखना है, सब कैप्चा में है, आपको टाइपली टाइप के सबमिट करना है। अगर आपको कुछ यहाँ पे जो वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे नॉट रीडेबल उसमें क्लिक करेंगे तो फिर से नया रिफ्रेश होगा। अगर खाली पेज आता है यहाँ पर कैप्चा में तो ब्लैंक इमेज पर क्लिक करके आप इसको स्किप कर सकते हैं कि नया फिर से कैप्चा आएगा जिसको आपको सबमिट करना है दोस्तों। तो इतना सारा सबमिट करने के बाद अब इसको क्लोज टास्क पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्क स्पेस क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे जो अभी आप काम करते हैं जितने भी है तुरंत आपका अपडेट नहीं होता कि कितना आपने स्निपेट कंप्लीट किया है और कितना आपका पॉइंट बनता है, वो आपका नेक्स्ट डे आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दस वर्ड में आप चेक करेंगे तो अगले दिन आपका आपने कितना स्निपेट कंप्लीट किया है, स्पीड क्या है आपका, ये सब यहाँ पर देख लीजिए, 648 स्निपेट, स्पीड 5, एक्यूरेंसी 85%, ठीक है। और मेरा 3926 कैरेक्टर कम्प्लीट किया अभी तक, ये सब आपका इस तरह से आएगा। जैसे ही मेरा बैलेंस 2500 हो जाता है मैं इसको रिवार्ड को रिडीम कर लूँगा मेरे अकाउंट में। तो इस तरह से आप भी घर के महिला लोग, अभी कम पढ़े लिखे बच्चे भी जो मोबाइल यूज़ करते हैं, आप फिर कंप्यूटर, ये दोनों माध्यम से चलता है, कंप्यूटर में भी कर सकते हैं मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, घर बैठे आराम से मोबाइल पर अगर आप कुछ टाइम देते हैं तो इसमें डेटा एंट्री टाइप करके पैसे कमा सकते हैं। ये सबके लिए है, इसके लिए कोई स्पेशल ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, मतलब सभी लोग कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, जो कि आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कृपया एक लाइक बटन ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इस तरह से मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।